हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं हुक्मरानी और बैरून मुल्क कारोबार करना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहाँ है लूटा हुआ कौमी खजाना, हो रही है चहल पहल। लो जी फिर ना अहल, पता नहीं क्या क्या होगा। और भी तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज तो अक्रम उदास साहब आप बिजलियां गिरा रहे हैं हम पे। थैंक यू सर, कहना सर। और बिजली बहुत तेज आनी सी। क्यों जी? मीटर ना सड़या हुंदा था। लेकिन वासे भाई आप बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह। क्या से कहते हैं? As always. As always. इंग्लिश बोल के जुगत ही खत्म हो गई है। जुगत नहीं खत्म हुई, इंग्लिश खत्म हो गई। उनका मतलब है कि आप जो कुछ भी पहनते हैं, जिसका भी पहनते हैं, आपको जचता है। जिसका भी क्या क्या मतलब है? मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं ना। लेकिन है बड़े मासूम ने। हैं तो। एक रेस्टोरेंट जाके कूडन कहते आई लव यू, उन्हें गिलास चौक के मारिया। तुमने क्या कहा? अगे उन्होंने जग चौके से मारिया। जो तेन समझ नहीं आई तो मैं मारिया क्या? नहीं हैं तो इनोसेंट। अच्छा जी। एक दफा इनके साथ एक बच्चा जा रहा था। अच्छा। किसी ने पूछा ये आपका क्या लगता है? उसको कह रहे ये मेरा दूर का भाई है। दूर का भाई? उसने कहा दूर का भाई, कहने लगे सात बहन भाइयों से छोटा है। नहीं मोटरसाइकिल तो डिग गए थे, डॉक्टर को चले गए, जा कहते टांके ला लेंगे। डॉक्टर कहते हाँ ला लेन। जुत्ती ला कहते इनू ला दे मेरी टूटी। बस से सफर कर रहे ने, बस वाले ने ब्रेक मारी थे, कुड़ी ते जाके डिगे ने। ओए होए। कुड़ी कहती बेवकूफ क्या कर रहे हो? कहते जी मैं तो एमए कर रहा हूं, तुम क्या कर रही हो? ये बात। अरे वाह क्या खूबसूरत बात लगता है। एजुकेटेड जुकते करने के मूड में आ जाओ। ये अच्छा था। वेल एजुकेटेड बॉय। हमें कोई एजुकेटेड लोग चाहिए आज। अच्छा तो फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, 136 से। आप सबकी तालियों में जनाब चौधरी बिलाल अहमद विर्क। वैसे नून लीग वालों के साथ आजकल चाहे जो कुछ भी कर रहे हों लोग और वो तन्हा हो रहे हैं, हम इनको बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होने देंगे। हमने खास तौर पर मिलाया हुआ अपनी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई हैं, एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मॉडल भी हैं। आप सबकी ताली में मोहतरमा सुम्बुल इकबाल। के हालात में एक फ्रेश शेर है। जी जी। बिलाल भाई आए हैं तो इसलिए स्पेशल है उनके लिए कि फैसले हो आ गए हैं, सोफे उठ उठा गए हैं और जिद के नखरे टूट टूटा गए, क्योंकि आज के मजाक रात में सुंबल जी और बिलाल भाई आ गए। अरे कमाल करते हो यार। गेस्ट तो हमारे खास है दोनों ही, लेकिन मेरा भी आज नून लीग ही शेर है। अच्छा जी। उसकी बेवफाई ने दिल ही दिल में मार डाला है। हाय 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 क्या चीज़। उसकी बेवफाई ने दिल ही दिल में मार डाला है। हाय। वजीर आजम के बाद अब सदारत से क्यों निकाला है? कोई ज्यादा मसले की बात तो नहीं है? मसला कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं हमें तो नहीं नजर आ रहा, आप लोगों को आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल कोई नजर। अच्छा ये देखे यहाँ लोग कह रहे हैं कि नून लीग कॉर्नर हो गई। नून लीग कॉर्नर कहाँ कॉर्नर हुई है? तो आप तो बिल्कुल खुशबाश चल रहे हैं। हमें मसला नजर नहीं आ रहा, नून लीग ही नहीं नजर आ रही। नहीं नून लीग तो नजर आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे, मगर आजकल तो खैर खबरों में बहुत ज्यादा है। वैसे आपके ख्याल में एवरीथिंग इज फाइन, कोई ज्यादा इतना इशू तो नहीं है ये जो फैसले पे फैसला? ये अब हर जमातों के ऊपर सियासी हालात उतार चढ़ाव हर दौर में आते जाते रहते हैं, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। आप बताएं मैडम क्या हालचाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है? प्रोग्राम देखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल देखा है। कैसा लगता है आपको?
अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है? इसको देख के एंटरटेनमेंट मिलता है, दैट्स इट, जो आजकल सबको चाहिए। तो ये बताएं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आजकल क्या हो रहा है? ये तो आपको बेहतर पता होगा। नहीं, मुझे क्यों पता होगा, मैं तो इनके साथ हूं। आप इतने अच्छे राइटर हैं, एक्टिंग जो कि नहीं लिख रहा, मगर लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मगर आप बताएं कि एक्टिंग की दुनिया के अंदर एक्टिंग वैक्टिंग चल रही है? बिल्कुल चल रही है। और आजकल कितने ड्रामे हैं जिसके अंदर आप रो रही हैं? एक एक ही ड्रामा? हाँ, क्योंकि सबने कहा कि मैं हर ड्रामे में रो रही होती हूँ, तो मैंने कहा कुछ जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मगर सुंबली बड़ा मगर आर्ट होता आपको है। पता है एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इसको प्रॉब्लम कहेंगे या मैसेज की एक इंटरेक्शन कहेंगे ऑडियंस की, कि हमारे यहाँ जो एक विक्टिम होता है कहानी का, उसके साथ जब तक सैंपथीज नहीं जाएंगी तो लोगों को लगता है कि ड्रामा नहीं बन सकता। ये तो ड्रामे चैनल होंगे ना, मतलब जो फौतगी हो गए तो बंदा 500 तो एक कहता आगे रोना जी जरा। मगर रोना तो खैर आजकल ड्रामे हो या सियासत दोनों जगह पे चल रहे हैं, क्यों बिलाल साहब? लेकिन एटलीस्ट हम लोग एंटरटेनमेंट देते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो सियासतदान रोते हैं उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होती? मुझे नहीं लगता। पिछले दिनों तो बहुत एंटरटेनमेंट मिली है हमें रोने के अंदर भी, इतने इतनी मीम्स बनी, इतने इतने जोक्स बने, ट्रेंड किया लोगों के जुमलों ने, उनके रोने के मोमेंट्स ने, आपको कोई उसमें पर वो तो एक थोड़े से अरसे के लिए होता है ना, हमारा लॉन्ग टर्म होता है। पिछले कोई साल डेढ़ साल से पॉलिटिक्स भी पूरी एंटरटेनमेंट नहीं, बिल्कुल बकायदा हमें रोते हुए मर्द नजर आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, हमें चीखे मारते हुए, धाड़े मारते हुए, ताने मारते हुए मर्द नजर आए हैं। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल से कुछ खवातीन भी शामिल है उसके अंदर। खवातीन तो ज्यादातर इस वक्त मुझे नहीं पता कौन कौन सी पार्टी में खवातीन एक्टिव है, मेरा तो ख्याल है पीटीआई में ज्यादा है। अच्छा, वो मगर पीटीआई में तो खान साहब ही सिर्फ एक्टिव होते हैं या फिर जहांगीर तरीन होते हैं, शाह महमूद नजर आते हैं, खवातीन तो ज्यादा पार्टी में। शीरी मजारी साहिबा है ना? अच्छा, रोती नहीं है वो? हाँ, उनके साथ तो भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंटरटेनमेंट की बात की है मैंने, के एंटरटेनमेंट साथ कुछ रुलाने वाले सीन भी आ जाते हैं। रुलाने वाले सीनों के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम जो इस वक्त सीन चला है, जो डायलॉग हिट हुआ है, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि अलमशहूर वो एक डायलॉग है कि कितने आदमी थे या फिर मौले नु मौला ना मारे, इसी तरह का एक जो रिसेंट टाइम्स का सबसे हिट डायलॉग है वो तो आप लोगों की तरफ से आया है, कौन सा है सर वो? मुझे दोबारा क्यों निकाला? सुमल आप बताएं, आपने जुमला सुना है मुझे क्यों निकाला? नहीं, ये तो ट्रेंड कर रहा है आपने पूरे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के ऊपर तो आप इतनी एक्टिव हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी नहीं सुना? नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं, पॉलिटिक्स में आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, मगर एक अब तो पॉलिटिक्स भी इतनी आपकी यू नो वो क्या होती है, टाइमलाइंस के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से फीड्स आ रही होती हैं, खबरें आ रही होती, तो इतना तो अंदाजा है। रीसेंट जो मुझे पता थी वो शादी वाली न्यूज पता थी। अच्छा, शादी वाली? अच्छा, यानी कि आप खबरें भी सिर्फ जनाना वाली सुनती हैं? वो चल इतनी रही थी कि वो बार बार नजर आ रही थी तो मुझे याद हो गई। अच्छा, नहीं, शादी आपको बार बार नजर आ रही थी? एक आदमी जो पिछले 4 महीने से मुझे क्यों निकाला बोल रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ जी, आपको कोई अंदाजा है कि क्या मुझे क्यों निकाला किसने बोला? नहीं, मुझे बिल्कुल। मैं आपको 3 ऑप्शंस दूं तो वुड यू बी एबल टू गेस? चलें, लेट्स ट्राई। ये जुमला इनमें से किन साहब ने बोला आपने बताना है हमें। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है कायम अली शाह, ठीक है, अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ। आई थिंक नवाज शरीफ। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट गोज फॉर 3 ऑफ देम, ऑल 3। इसलिए मैंने कंफ्यूजन के वजह से फॉर द रीसेंट वन मुझे आइडिया हो गया जो कि। अच्छा, वैसे वैसे नवाज शरीफ साहब का क्या हुआ, कोई आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मुझे क्यों निकाला? आई थिंक उनको कोई मसला होगा इसीलिए वो कह रहे हैं। आपको पता है मियां साहब इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। रोटियां लेने गए नहीं, नवाजी साहब का तो आइडिया चले ठीक है नहीं है, बट आपके ख्याल में क्या हुआ उनके साथ ऐसा कि उनको ये कहना पड़ा मुझे क्यों निकाला? कोई ना कोई मसला हुआ होगा उनके साथ। मगर कैसा मसला? किस नियत का मसला? अब ये तो साथ बैठे हुए ये बेहतर बता सकते हैं, इनका ताल्लुक ये तो बता बता के बेचारे आते हो गए। अच्छा, आपको ये पता है कि मियां साहब पाकिस्तान के अंदर क्या पोजीशन है मियां साहब की? अभी उनकी पोजीशन थोड़ी नाजुक है। नाजुक तो है, नाजुक तो है। एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट के वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो नाजुक हालत में हैं? नहीं, आई थिंक वो जो चीज़ें उनके लिए आ रही हैं सामने, जो जैसे हम क्या कहेंगे कि जो इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो आपको आइडिया है कि इल्जाम लगाए गए? हाँ, ऐसा कुछ तो मुझे आइडिया है, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मे बी वही प्रॉब्लम है उनके साथ। तो वैसे आपके ख्याल में डू यू थिंक कि मियां साहब जो प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी चल रही है पिछले 4 साल से, वो ये अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू कर जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? I don't think so. 4-1 महीने रह गए इलेक्शन में। हाँ, क्या लगता है वैसे जो 4 साल? हाँ, 4 महीने तो चले जाएंगे। 4 महीने करके 5 साल पूरे करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर? हो जाएगा पूरा। हाँ। तो बहुत सारा टाइम तो निकल गया, अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया, बाकी सारा टाइम तो उन्होंने निकाल दिया। वोट डालती हैं आप? नहीं।
नहीं डाला, बना तो हुआ है ना, बना हुआ है, कराची के अंदर है, मगर वोट आज तक डाला नहीं आपने। डू यू हैव एनी प्लान्स के 2018 में तीन महीने बाद कोई वोट शोट का है इस बार? नहीं अभी तक नहीं, अभी तक नहीं बना। तो कोई वैसे को लगता है मुझे जब तक लगेगा नहीं कि हाँ इस बंदे को वोट देना चाहिए तब तक नहीं। तो आप किस बंदे के इंतजार में है कि उसको वोट जो एटलीस्ट जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक साहब आजकल बहुत मुझे लगता है कि आपकी शायद इस चीज के ऊपर पूरे उतर सके, आपने पता नहीं उनका सुना या नहीं सुना, शायद खाकान अब्बासी, वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ कर सकूं, लोगों के लिए काम वाम कर सकूं, तो आपको आइडिया है शायद खाकान अब्बासी का? वो कौन है? मुझे आइडिया है उनकी, मैंने चीजें भी कुछ न्यूज पे चलती रहती है जब हम देखते हैं। तो उनको वोट डालने का है प्रोग्राम? नहीं अभी नहीं है उनको वोट डालने का प्रोग्राम नहीं है, मगर आपको... और जब मैं वोट डालूंगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करूंगी कि मैंने वोट किसको डाला। अच्छा इंस्टाग्राम और... पे पोस्ट करेंगी वोट डालना? कि मैंने कभी किसी को वोट नहीं डाला। आपने किसी को वोट नहीं डाला, मगर डू यू रियलाइज के वोट डालना, आप वोट नहीं दिखा सकते कि आप नहीं, लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तो आप बता। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, मगर आप शायद खाकान अब्बासी साहब को डालेंगे वोट वैसे प्रोग्राम? अगर उससे अच्छा ऑप्शन आ गया तो शायद। शायद खाकान अब्बासी वैसे कौन सी पार्टी में है? पता नहीं, मैं आपको तीन ऑप्शंस दूं अगर प्लीज। okay. आपने शक्ल तो देखी है ना उनकी। हाँ. शक्ल से आपने अंदाजा लगाना है किस पार्टी के लगते हैं वो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, या फिर एएनपी? शक्ल से तो वो पीटीआई के लगते हैं। पीटीआई के तो वो हो गए वृक साहब, आप अब जेलस नहीं होंगे। आपको कसम है कि आपने जेलस नहीं होना और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? पीटीआई के तो वो हो गए, अब आप हैं नून लीग के तो हमारा मसला तो नहीं है ना। आपने कहा शक्ल से जज करो, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शायद खाकान साहब आजकल क्या कर रहे हैं, कहीं आपने देखा कोई आप तस्वीरें वगैरह? नहीं देखा। आपको पता है कि इस वक्त बलोचिस्तान के लिए चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे हैं जी? ये आपसे सवाल विरक साहब से नहीं, आपसे आपको बता रहा हूँ। तो वो तो आपने कहा शक्ल से जज करें तो फिर नहीं, बस आई नो आपने वो तो जज कर दिया उनको और वो उनका तो करियर डूब गया, मगर मगर वैसे शायद सब क्या कर रहे हैं आजकल मुझे बताएं। मुझे नहीं पता। बलोचिस्तान जाने का आपका हुआ है कभी चक्कर लगा आपका? नहीं मेरा नहीं नहीं लगा। तो अगर आप कभी जाएं तो आप शायद खाकान अब्बासी साहब से मिलना चाहेंगी? कोई मुझे लगेगा तो मैं कराची में भी उनसे मिल सकती हूँ। कराची में मिलेंगी, मगर कराची के अंदर तो परवेज खटक होते हैं चीफ मिनिस्टर। नहीं वो आते तो होंगे ना, ये थोड़ी परवेज खटक को मिलने के लिए। नहीं नहीं लेकिन बात सुने, आपकी पार्टी के लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा तो आप क्यों जेलस हो रहे हैं बार बार? सर आप उनका भी तो पूछे ना यार, वो इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर ममनून हुसैन साहब का। नहीं ममनून हुसैन का तो उनको पता है, अब आप अभी ना करें। अरे ममनून हुसैन का पता है ना जी? पता है, ऑब्वियसली पता है यार। कौन है वो बताएं, बंद करें इसका मुंह, ये जो बाबा शोखा हो रहा है ना। मैं अब नहीं बताऊंगा। बताएं कौन है? अगर मैंने फिर कुछ गलत बोला तो आप लोग फिर कोई तीसरा क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कसम खाता हूं मैं। आप बस करें, मैं तालियां छोड़ दूंगा। आपने बताना है ममनून हुसैन कौन है, बताएं इसको। नहीं बताऊंगी। चले मैं गेस, तीन ऑप्शन दूं आपको? नहीं इनकी, इनसे पूछें, इनको तो पता ही है। इनसे बेहतर किनको पता है? मेरे साथ चुप हो गए उनके साथ, पहले खामोश हूं जी। पीटीआई वाली हो गई उनके साथ, इसलिए हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में रहेंगे, हम पॉलिटिक्स की तरफ जाने नहीं वाले। बस आप एंटरटेनमेंट पे आए ना, एंटरटेनमेंट की बात करें। ये बताएं कि आमिर लियाकत आजकल क्या कर रहे हैं? फहद मुसवा शो बंद हो इंतजार कर रहे हैं। जान रहना शर्त है उस दिल बरे मगरूर का, पढ़ न जाए सब्र मुझ जैसे किसी मजबूर का। उसने सबको ही नवाजा नाम का रख के भरम, हो करीबी या के रिश्तेदार कोई दूर का। जिंदगी भर मुझको ना भूलेगी वो धरने की रात, रक्स कर कर के बदन मेरा भी काफी चूर था। मन लगता गड्डी ने इन्हें रखा है। क्यों? ते पैसा टका ते है नहीं ना भाई, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हें नहीं मिला। लेकिन उन्होंने फेस रीडिंग दस दी ना, कोई बड़ा माल है। अच्छा हाँ, लोगों का भी है ना को लिए। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। बिलाल साहब, असेंबली में टाइम तो बहुत ज्यादा गुजरा, या आप उन वालों में से हैं जो ज्यादा टाइम असेंबली में नहीं गुजारते? 15 साल से तो असेंबली के अंदर नहीं, मतलब ये जो डेली वो एक बड़ा एक कंप्लेंट रहती है ना कि बहुत से एमएनएज़ हैं, दे डोंट अपीयर, उनकी अटेंडेंस बहुत कम होती है। तो विच वन आर यू, के जो ज्यादा टाइम गुजारते हैं या नहीं गुजारते? जो नहीं, डिपेंड करता है उस वक्त कि आप एजेंडा क्या चल रहा है या क्या है। तो अगर आपका उसके अंदर कोई रोल है तो फिर ही आपने सेशन अटेंड करना होता है। तो फिर सेशन अटेंड करते हैं। जब सेशन अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद आप आके शेखुपुरा में अपनी पॉलिटिक्स भी करते हैं, उसके अलावा टाइम वगैरह मिलता है कोई? बहुत कम, बहुत कम। मगर अपने लिए क्या करते हैं आप? अपने लिए तो वीकेंड्स के ऊपर अगर कोई टाइम मिल जाए तो फिर बच्चों को कोई खाने पे ले गए, बच्चों को लेके जाते हैं। कोई है एंटरटेनमेंट यानी कि वैसे खाना वगैरह, या कोई यू मे बी वॉच प्ले, फिल्म वगैरह देखी, कोई इस तरह का म्यूजिक सुन लिया? म्यूजिक कभी कभी शाम को,
अकेले बैठे हो थोड़ा उस फेज में चले जाएं कि रेस्ट करना हो तो फिर म्यूजिक भी सुनते। किसको सुनते हैं आजकल? इमरान खान को सुनते हैं। म्यूजिक की बात हो रही है। मैं ज्यादा जो है वो मेरा सुफियाना कलाम। अच्छा, सुफियाना कलाम में। और वैसे और कोई ड्रामे? ड्रामे बचपन में देखते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। वो पुराने, वो जो किसी जमाने में वारिस, वारिस और वो वाले। अच्छा, पीटीवी के जमाने के किनारे, वो पीटीवी वाले। तो नए ड्रामे कभी कोई मौका नहीं। तो फिर आपको तो अभी कोई आइडिया नहीं होगा कि सुंबल जो है वो ड्रामों के अंदर काम कर रही हैं? अभी मुझे बाहर पता चला जी। ये बाहर आप किसने बताया? ये उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, सुंबल ने आपको बता दिया? ये बता दिया। अच्छा, तो और क्या बातें हुई? सिर्फ यही बात हुई। अच्छा, सिर्फ यही बात हुई। तो आपने सुंबल को क्या बताया? जरूरत नहीं महसूस हुई बताने की ये सब सुनने के बाद। तुम्हें ये शक्ल से तो यही पीटीआई के नहीं लगते? नहीं। अच्छा, ये नहीं लगते, क्यों? क्योंकि इनका पता ही नहीं है पीटीआई। मगर नहीं, वैसे वो तो हमें पता है। अगर शक्ल से जज करें तो हाँ लगते हैं। वैसे लगते हैं ना। हाँ, देखे सर, विवेक साहब भी कह रही है कि पीटीआई के लगते हैं, तो क्या ख्याल है, कोई चेंज की जाए पार्टी? अभी तक तो कोई ऐसा मूड है नहीं। ये तो क्रीमा क्रूमा लाइया ने, शक्ल देखो नून लीग दे लग रहे हैं। नहीं, मगर वो देखे उनका अपना एक नून लीग का तज्जिया है। हो सकता है वो नून लीग को जज करती है, राणा सनाउल्लाह के मुताबिक जज करती हूँ, आबिद शेर अली के मुताबिक जज करती हूँ, उनको नहीं लग रहे विरक साहब अगर नॉन लीग के, तो क्या कसूर है? क्यों विरक साहब? एग्रीड? एग्रीड जी। है ना, वह एक गुड लुकिंग खुश शक्ल इंसान, उनको लगा कि पीटीआई के अंदर होना चाहिए। मगर मुझे ये बताया कि सीरियसली वैसे डू यू नो राणा सनाउल्लाह वगैरह लगते हैं ना नून लीग के? हाँ, वैसे वो लग सकते हैं। वो लग सकते हैं ना, है ना? ये इतने यू नो गुड लुकिंग आदमी का नून लीग में काम नहीं है। लेकिन वो शक्ल से काम का क्या ताल्लुक है? ये तो अपनी मर्जी होती है, आपने जहाँ करना हो काम। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं? मैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं है। अब तो आपकी इतनी पार्टीज जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग चल रही होती है हर वक्त। मेरा ऑफिस मैनेज करता है, मेरा जो पेज बना हुआ है वहाँ पे। यानी कि आपको खुद कोई नहीं? वो नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे दिखा देते हैं कि ये डाउनलोड करने लगे, मैंने कर दो। शरीफ आदमी ने जी, इन्होंने तो एक बंदा आके कहता जी मैं एक बंदे को 2.5 लाख लेना जी, वो वापस नहीं कर रहे हैं। कहते कौन है? कहते जी उन्होंने 2 बंदे मारे ने। अगे वो कहते हूँ तीजा भी मरवाना है। तुसी जरा खा के वेखो फिर तुम दसांगे। Sorry about that. I came here after so many days. Haan, itne din kahan the? You know, I went to the Shehupura. Shehupura? And the Peshawar. Peshawar? And the lot of cities utthe jalse ho rahe san na. Noon League wale? Noon League. Utthe main bade paise kumaye ne. Wah, wah, wah. Oh my God, shayad puri life de vich. Haan. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5,000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ! ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਮ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਤੇ ਤੁਮ। ਯੂ ਨੋ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣੀ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਆਪਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓ ਦਿਸ ਗਾਇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਵਿਰਕ ਹੈ। No, it looks like Bilawal Bhutto. No, is Bilal Virk. He's an MNA from Pakistan Muslim League Noon. You can try. Muslim League Noon wale the aajkal bade paise vand rahe ne. Aage election to aata tusi jitna, lekin ode waste sadka sujka pehle hi dena paena. Eh chokla unhone de jo offshore company pa deni hai. Te oh Sumbul Iqbal, she's an actress. Wow, she looks like a big actress. Yes. Yeah. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਹੀ ਸੱਜਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਲਾਓ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਮੋਰਾਂ ਲਾਓ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ? 150 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਨਕੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਮੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਾ। ਗੱਡੀ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਉਨਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਬ ਤੁਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, 2018 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਾਟ? 2018 ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੰਕ ਕਰੇ। ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਕਿਸਕੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਇਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਔਰ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਕੇਪੀਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ਤੋ। ਅੱਛਾ, ਯਾ ਆਪ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕੇਪੀਕੇ ਕੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇਪੀਕੇ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਨਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਂ? ਵਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਮਕਿਊ ਮੇਂ ਚਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਹੈ ਅਭੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀਟੇ ਨਿਕਾਲ। ਮਗਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ PMLN and PTI so reluctant to go to Sindh? Baqaida tarike jis tarah Punjab aake ladte hain ye log, wo usme pehle to na MQM hai uska bhi abhi wahan pe wo dono shehron ke andar to wohi shakal, uske alawa sir Sindh pura pada hua hai, pure Sindh asal mein neglect ho raha hai, focus karna chahiye tha dono jamaton ne, dono jamaton ne, matlab aapne kabhi apni jamaat ke andar pucha ki kya 97 ke andar aap log wahan pe bhi itne kamyab the? Ab dekhen to matlab samajh nahi aati mujhe ke jo koi ek do apna members wahan se PMLN ke wo jeete bhi the wo bhi resign karke people's party join। हां, वो आखिर में आपने उनको इतना अकेला छोड़ा कि उन्होंने कहा यहां तो कोई कंपनी नहीं है हमारी, तो हम वहां जाएं जहां पे लोग तो मौजूद हैं। ये बड़ी हमारे मिनिस्टर थे जो रिजाइन करके, बिल्कुल ये बड़ी एक अजीब सी बात है। वैसे आपको कोई मिनिस्ट्री सिनिस्ट्री नहीं उन्होंने किया हुआ अभी? मेरा ख्याल है शायद मुझे काबिल नहीं समझा होगा। जिनको मिली है वो किस बेस पे मिलती है मिनिस्ट्री? हर जो मेरा रायवंड जाना पे जरा हाजिरी ज्यादा लगवाते हैं हम जरा। ये क्या बात सही है कि रायवंड जाके हाजिरी ज्यादा लगवानी पड़ती है? मैंने कहा जी हाजिरी जरा ज्यादा लगती है, हम जरा कम लगाने वाले। क्यों, आप क्यों नहीं, क्या इंटरेस्टेड नहीं है या पॉलिटिक्स इज द कोई हाजिरियां लगवाने का काम तो नहीं है वो? आप वृक्ष साहब, मुझे लग रहा है आपको कोई दिल उखड़ा सा हुआ है आपका, कुछ कुछ पार्टी से, कुछ अपने लोगों से, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स ही वैसे उखड़ गया है। पॉलिटिक्स ही उखड़ गया, वजादारी का नाम खत्म हो गया वैसे। अच्छा, तो सर ये फिर 2018 का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना आप? या लड़ेंगे जी इंशाल्लाह, लड़ेंगे सही, मगर कुछ आपका दिल निसार अली खान हुआ है? वो सीनियर आदमी है वो, नहीं मगर दिल तो उनका, मतलब मैं तो एक टाइप बन गई है ना, निसार अली खान साहब मुस्लिम लीग नून में एक टाइप है दिल की। एक दिल होता है तलाल चौधरी, एक दिल होता है ख्वाजा हासन, एक दिल अब निसार अली खान भी है, तो ये आपका कौन सा दिल है इनमें से, किस टाइप पे चल रहा है? मुझे लग रहा है कुछ निसार अली खान साहब वाला दिल चल रहा है। चौधरी साहब भी हमारे सीनियर हैं, लेकिन चले मैं इजी जमातों के अंदर तलाल चौधरी जैसा दिल है कि नहीं है? अल्लाह ना करे जी। दानियाल अजीज जैसा दिल है? नहीं नहीं। तो ख्वाजा हासन साहब जैसा दिल है? ख्वाजा साहब अच्छे आदमी है, मेरा बड़ा अच्छा तलक रहा है। दिल है कि नहीं? उन पे दिल है, उन जैसा नहीं। ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ,
ਨਰਗੋਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਈਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੇ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਤੇ ਕਾਫਲੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫਲੀ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਨਾ, ਰੋਂਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤਖਤੀ ਖੋ ਲਈ, ਧੋਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਚ ਡਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਧੋ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਸ਼ੇਰੇ ਬਾਬਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਲੇਟ ਯਾਰ, ਜੀ ਸਰ, ਸੀ ਯੂ ਲੇਟਰ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਆ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਂ ਆਪ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਆਪ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਪੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਵੋ ਹੈ ਨੀਲਮ ਮੁਨੀਰ, ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਰ। ਕਤਰੀਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ। ਜੀ, ਅਜੀਬ ਓ ਗਰੀਬ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੇ, ਜਹਾਂ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਜੰਗਲੀ ਬੰਦਰੋਂ ਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਜੰਗਲੀ ਬੰਦਰੋਂ ਕਾ ਗਰੋਹ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਨਕੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੈਸੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਮੈਂ ਬੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਓਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ, ਨਿਓਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੂ ਘੁੰਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਰ ਆਪ ਯੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੰਦਰ ਟਾਈਮ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਇੰਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਬਾਂਦਰ ਡੇ। ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ MNA ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। दूसरी खबर है चाइना से, जहाँ एक शख्स बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता है। वो जब भी किसी सड़क से गुजरता है वो ट्रैफिक साइंस को अपनी मर्जी से पेंट करके उनका रुख अपनी मर्जी से कहीं भी कर देता है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि उसकी जो CCTV फुटेज थी वो पुलिस ने देख ली और उसको पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने इस बात का इजहार किया कि वो रोज़ इन सड़कों से गुजरता है और वो इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इसलिए वो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको अपनी मर्जी से पेंट कर देता है। लेकिन पुलिस ने बताया कि की हरकत बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और पुलिस ने उसको काफी हैवी फाइन भी चार्ज किया है। इन्होंने भी सारे चेंज करने की कोशिश की थी। अच्छा, पुलिस वाले ने 5 ला के फिर ऐसा सीन चेंज किया और ट्रेंड पे लिखा सारे चेंज करोगे तो ऐसे कर देंगे। सर ये दोनों एक दफा मोटर बाइक पे जा रहे तो ट्रैफिक वाले ने रोक के कहा कि तुमने इशारा थोड़ा, कहने लगे नहीं जी एने वटा मारे हैं। इशारे तो गल ही याद है टागर साहब जी, जी। अकरम भाई दे एडे एडे लंबे वाल सन। अच्छा जी। हाँ जी, इन्होंने पार्क से जाके एक इशारा किया है, उन्हें फिर नाल दे नू इशारा किया है, उस बंदे ने फिर यह हाल किया। सर हमारा एक 2020 का सेगमेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और आपको साथ ऑप्शंस दूंगा जिनमें से किसी एक को आपको अपना जवाब बनाना है। तो पहले किससे स्टार्ट करें? लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, और लेडीज मुझे लगता है कह रही है कि इनसे करें स्टार्ट। ये लेडीज ने खुद कहा है कि जी इनसे स्टार्ट करें, इसलिए बिलाल साहब स्टार्ट करेंगे। बिलाल साहब ये बताइए, टाइटैनिक पे सफर करने लगे हैं आप, साथ आप एक शख्स को लेके जा सकते हैं, इनमें से किसको आप टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? वो हैं नीलम मुनीर, कतरीना कैफ और मैं विशाल। कतरीना ऑब्वियसली। हमारी जो दोनों पाकिस्तानी लड़कियां, आपने फ्रेंकली स्पीकिंग उन दोनों को मैं जानता नहीं। कतरीना कैफ को कैसे जानते हैं आप? इंडिया को कोई बदला लेना है? कुछ थोड़ा जहा ख्याल भी हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांगने के लिए खड़े हुए हैं, बियाबान सड़क है, आप किसी एक शख्स को लिफ्ट दे सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कार में हैं, तो किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इन सब में से? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं ताहिरुल कादरी, शेख रशीद और मौलाना फजलुर रहमान। आप जनरल नॉलेज पे चले जाए। सफर नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात है, मौलाना फजलुर रहमान इनके अलायंस में है मगर तब भी उन्होंने इनको लिफ्ट ही दी। ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला आईन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बिल पेश हुआ था वो किस साल में था? 56। बिल्कुल सही जवाब। सर तीन गुलाब के फूल हैं आपके पास, ब्लैक व्हाइट एंड रेड, इनमें से किसको कौन सा फूल देना चाहेंगे आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आयशा गुलेलई, रिहाम खान और माहिरा खान। इनमें से व्हाइट फूल किसको देना चाहेंगे आप? व्हाइट आई गेस। व्हाइट आप माहिरा खान को दे दिया आपने, ठीक है जी। तो ब्लैक रोज किसको देना चाहेंगे? आयशा गुलेलई। आयशा गुलेलई को ब्लैक रोज। और रेड रोज आप किसको देना चाहते हैं? I would reverse my first statement. Red चला जाए, Mahira and white goes to. अच्छा, white rose रेहम खान को और माहिरा को आपने red rose दे दिया। ठीक है आपकी। मैं सर अब आपसे पूछूंगा आपकी preferences. You have to tell me your preferences out of these two. ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार अली खान। निसार अली खान। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन। आसिफ अली जरदारी। राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। मेरा ख्याल है आबिद शेर अली कुछ बेहतर लगता है। आबिद शेर अली बेहतर लगते हैं इनमें से, ठीक है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज। हमजा ऑब्वियसली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। सर अगर मजबूरी के तहत आपको इनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखना है अगला, तो आप किसको देखना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो और इमरान खान? मजबूरी के तहत इमरान खान। मजबूरी के तहत इमरान खान। जी सुम्बल जी, अगर आप इन तीन खवातीन के साथ सेल्फीज लेती हैं तो इनमें से किसके साथ ली हुई सेल्फी में से आप उन्हीं को क्रॉप कर देंगी? वो सेल्फीज आपने ली हैं मावरा हुसैन के साथ, माया अली के साथ और सबा कमर के साथ? मावरा के साथ। मावरा के साथ ली हुई सेल्फी में से मावरा को ही क्रॉप कर देंगी ये, मावरा याद रखिएगा आप। आपके पास भी तीन गुलाब के फूल हैं, व्हाइट ब्लैक एंड रेड, इनमें से किसको कौन सा गुलाब देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शेरयार मुनव्वर, उस्मान खालिद भट्ट और दानिश तैमूर। व्हाइट रोज किसको देंगी? आई थिंक दानिश तैमूर। ब्लैक रोज किसको देंगी? ब्लैक रोज उस्मान खालिद भट्ट के लिए। और रेड रोज किसको देंगी? शेरयार मुनव्वर। आप ट्रेन की आखिरी बोगी के ऊपर खड़ी हुई हैं, ट्रेन चल पड़ी है और आप देखती है कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं, आप किसको हाथ देकर ट्रेन के ऊपर चढ़ाना चाहेंगी? आपके ऑप्शंस हैं मौलाना फजलुर रहमान, राणा सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ नाम ज्यादा पसंद आया आपको? ख्वाजा आसिफ आपने देखे हुए हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका हाथ खींच के मैं उनको पकड़ सकूंगी, वेट कम। मुझे आप ये बताएं
کہ ان میں سے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ مراد علی شاہ، عبدالقدوس بزنجو، شہباز شریف اور پرویز کھٹک؟ کوئی اور کوسچن کر لیں، جنرل نالج کا کرنا چاہیں گے؟ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام بتائیے۔ میری جنرل نالج بہت ویک ہے۔ پاکستان کی پہلی فیچر فلم کا نام بتائیے۔ تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، مجھے نہیں پتہ۔ پاکستان کی پہلے سیٹلائٹ ٹی وی کا نام بتا دیں۔ لکس سٹائل اوارڈ کب شروع ہوئے یہ بتا دیں۔ کوئی اچھا کوئسچن کریں۔ اپنے ڈرائیور کا نام بتا دیں۔ ویرک صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن اے شو، اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک فار دا اپ کمنگ الیکشن۔ سمبل، تھینک یو سو مچ، اینڈ وش یو دا بیسٹ آف لک فار یور کیریئر۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت